इन पैकेमएस धोनी बने टीम इंडिया के विलेन, मल्लिका कैच छोड़ की सबसे बड़ी भूल। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर बुधवार को एशिया कप 2018 का हाई वोल्टेज मुकाबला शुरू हो चुका है। पाक कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। उसकी शुरुआत भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने बिगाड़ी, जिन्होंने दोनों ओपनर्स इमामुल हक और फखर जमान को पवेलियन भेजा। इसके बाद अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक और बाबर आजम ने पाकिस्तान की पारी संभाली। हालांकि टीम इंडिया को जल्द ही मलिक का विकेट मिल जाता, लेकिन तभी उसके सबसे बड़े विलेन कोई और नहीं बल्कि पूर्व कप्तान एमएस धोनी बन गए। जी हां, क्रिकेट फैंस को यह सुनने में बेहद अजीब लगेगा, लेकिन धोनी ने मलिक का कैच टपका दिया और टीम इंडिया के विलेन बन। यह वाक्या पाकिस्तान की पारी के 16वें ओवर का है। हार्दिक पांड्या ओवर की अंतिम गेंद करने आए। पांड्या ने ऑफ स्टंप के नजदीक अच्छी गेंद की, जिस पर मलिक के बल्ले का बाहरी किनारा लगा। गेंद विकेट कीपर की दिशा में गई और वहां मुस्तैद धोनी ने दाएं ओर डाइव लगाई, लेकिन कैच टंका दिया। तब शोएब मलिक 35 गेंदों में एक चौके और एक छक्के की मदद से 26 रन बनाकर क्रीज पर खेल रहे थे। मलिक को बाबर आजम का अच्छा साथ मिल रहा था, जो 44 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 32 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने भी डीप मिड विकेट पर शोएब मलिक का कैच छोड़ दिया। तब मलिक 37 रन बनाकर खेल रहे थे। दरअसल कुलदीप यादव ने 24वें ओवर की चौथी गेंद फ्लाइट कराई, जिस पर मलिक ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। हालांकि उनका टाइमिंग अच्छा नहीं रहा और गेंद हवा में ऊंची चली गई। डीप मिड विकेट पर मौजूद भुवनेश्वर कुमार भांप नहीं पाए और गेंद की लाइन तक नहीं पहुंचे। धोनी से इतनी बड़ी गलती आमतौर पर कभी देखने को नहीं मिली। फैंस को भी पूरी उम्मीद थी कि वे आसानी से इस कैच को पकड़ लेंगे। हालांकि यह संभव नहीं हो सका और शोएब मलिक को जीवनदान मिल गया। कई लोग धोनी को मैच का विलेन मान रहे हैं। अब यह देखना होगा कि टीम इंडिया मुकाबला जीत कर धोनी पर से यह दाग हटाने में सफल होगी या नहीं। बता दें कि शोएब मलिक का एशिया कप में टीम इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज ने कुल 3 शतक लगाए हैं, जिसमें से 2 टीम इंडिया के खिलाफ जमाए हैं। मलिक ने 2004 में 143 और 2008 में 125 रन की पारी खेली है।